हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आ गए हैं पटना का तारामंडल देखने के लिए। सॉरी, तारामंडल नया नहीं बना है बल्कि पुराना तारामंडल अंडर रेनोवेशन के वजह से कुछ दिनों से बंद चल रहा था। तो फाइनली 10 अप्रैल को ये रीओपन हो गया है। एंड गाइज, ये इतना ज़्यादा बदल गया है ना, आउटर स्ट्रक्चर तो आप लोग देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा ही ये चेंज हो गया है। तो अंदर क्या क्या चेंज हुआ है ये भी मैं आपको बता दूंगी। उससे पहले आप लोगों को मैं कुछ माइनर सा इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर आपको पार्किंग चार्ज 10 रुपीज लगने वाला है एंड आपको पार्किंग की भी फैसिलिटी मिलने वाली है। सो गाइस, रेनोवेशन के बाद ये तारामंडल बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गया है। आप लोगों को दिख जाएगा कि ये पूरा जो जितना भी बिल्डिंग है ना, वो आपको पूरा ग्लास का दिखने वाला है एंड रात के टाइम में ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। सो गाइस, यहाँ पर आपको बाहर में ना कुछ छोटे छोटे पौधे से एकदम से सजाया हुआ है एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा यहाँ पर इस तारामंडल का न्यू लुक है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड गाइज, अब टिकट की बात करें ना, तो बच्चों का टिकट यहाँ पर आपको 50 रुपये लगने वाला है एंड उसके बाद 10 साल से लेकर आगे तक के लिए आपको 100 रुपीज़ लगने वाली है एंड टूरिस्ट के लिए आपको यहाँ पर 200 रुपीज़ टिकट प्राइस लगने वाला है। एंड गाइज, ये मंडे को क्लोज रहेगा एंड बाकी 6 दिन ये ओपन रहेगा। एंड टाइमिंग की बात करें तो 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ये खुला रहता है। एंड गाइज, यहाँ पर कुल 800 दिखाया जाएगा एक दिन में। एंड गाइज, यहाँ पर आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आप लोग टिकट बुकिंग करा सकते हो। सो गाइज, अभी चलिए चलते हैं क्योंकि हमारा 11 बजे का शो है एंड वहाँ पर चलकर आपको दिखाते हैं कि शो का मतलब कि पिक्चर क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी कैसा है एंड क्या कुछ चेंज हो गया है। तो आपको सबसे पहले इस वाले सीढ़ी मतलब कि सीढ़ी नहीं है, आपको इस जगह से आपको ऊपर जाना है। एंड गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आपको यहाँ पर दिख जाएंगी कल्पना चावला जी का पोस्टर है यहाँ पर। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। एंड गेट पर आपको कुछ वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आप अंदर जाइएगा। एंड यहाँ पर अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, खाना पीना का चीज़ अंदर नहीं लेके जाना है। सो गाइज, अभी हो गया है शो शुरू। एंड गाइज, यहाँ का वीडियो क्वालिटी की बात करें, ऐसे फ़ोन में उतना रिकॉर्ड नहीं हो पाया जितना कि हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा था। एंड काफ़ी अमेजिंग इसका वीडियो क्वालिटी है एंड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी हो गया है। एंड यहाँ पर वीडियो की बात करें ना, तो आपको कार्टून एनिमेशन के थ्रू आपको समझाया जाता है। आप चाहो तो हिंदी या फिर इंग्लिश में भी शो को बुकिंग करा सकते हो। एंड गाइज, यहाँ पर साउंड क्वालिटी की बात करें ना, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था एंड लग रहा था ना कि मतलब हम लोग ना इस शो के मतलब जो अभी चल रहा है वीडियो उसके अंदर है एंड पूरी तरीके से एकदम रियल लाइफ बेस्ड लग रहा था एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा एनिमेशन करा हुआ था। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा एंड बहुत कुछ आप लोग इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मिलने वाला था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग भी लग रहा था। सो गाइज, आप लोग अगर तारामंडल नहीं आए हो ना, तो जल्दी से आकर यहाँ पर बुकिंग करा सकते हो एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपको हर एक टाइप का शो मिल जाएगा एंड आप लोग टिकट वगैरह में ना आप लोग अपने चॉइस का सीट भी बुक करा सकते हो एंड अपने चॉइस का आप लोग शो भी बुक कर सकते हो। सो गाइज, इस तारामंडल की बात करें ना, तो ये तारामंडल बहुत ज़्यादा पुराना तारामंडल है गाइज एंड पहले का स्ट्रक्चर ना बहुत ज़्यादा मतलब कि ओल्ड टाइप का था एंड अभी जो नया रिनोवेशन के बाद जो हमारा तारामंडल लग रहा है वो किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं लग रहा है। एंड बाय द वे, आपको रात में बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला नज़ारा देखने को मिलेगा। सो गाइज, फाइनली हम लोग का शो हो गया है ख़त्म एंड शो का यहाँ पर ड्यूरेशन मैं आपको बता दूँ, पूरे 40 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है। फिर आपको कुछ यहाँ का एग्जीबिशन हॉल भी दिखा दूँ जहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर एग्जीबिशन में लगे हुए हैं। सो गाइज, एक एक करके मैं आपको दिखा दूंगी, तो आप लोग पहले यहाँ पर एग्जीबिशन हॉल देख लो कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। यहाँ पर आपको सीलिंग में ना जो हमारे सोलर प्लैनेट हैं उनके कुछ कुछ यहाँ पर मॉडल्स दिख जाएंगे एंड आपको यहाँ पर अंतरिक्ष से जुड़े ना कुछ कुछ यहाँ पर मॉडल्स दिखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग
ग्रह है एंड आपको हर एक मॉडल्स के बगल में उससे रिलेटेड आपको नोट्स मिल जाएगा। आप लोग नोट्स में पढ़कर कुछ इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। सो गाइस, हमारे स्पेस में जो भी मशीनरी जो काम आते हैं ना, वो सारा यहाँ पर मॉडल वगैरह लगा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा मिल्की वे गैलेक्सी, एंड इसके बारे में एक लंबा चौड़ा यहाँ पर नोट्स है। फिर आपको यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकली भी आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप लोग को यहाँ पर दिखने को मिलेगा हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड गाइस, ये ना राउंड राउंड करके घूम रहा है, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लगेगा एकदम स्टेबल है। फिर आपको यहाँ पर दिख जाएगा रेड शिफ्ट, जो कि हम लोग ने फिजिक्स में पढ़ रखा है। एंड यहाँ पर आपको दिख जाएगा रेड शिफ्ट। फिर आपको यहाँ पर दिख जाएगा बिग बैंग थ्योरी का प्रैक्टिकल करना भी, आप लोगों को अगर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग कर सकते हो। जैसे जैसे आप इस फ्रेम को आगे करते जाओगे, बिग बैंग थ्योरी का आपको यहाँ पर मॉडल दिख जाएगा, एंड बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर इंटरटेनिंग लगने वाला है, एंड बहुत ज़्यादा बढ़िया सा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। सो गाइस, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा अच्छा सा एग्जीबिशन में मॉडल लगा हुआ है, जिससे आपका इन्फॉर्मेशन भी, अगर साइंस रिलेटेड आपको ये सब चीज़ में इंटरेस्ट है तो बहुत मज़ा आएगा। बाकी आपको यहाँ पर एम्बिशियस की बात करें ना, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से इस तारा मंडल को सजाया गया है। एंड गाइस, यहाँ पर ना आपको बहुत ही ज़्यादा नया नया चीज़ देखने को मिलेगा एंड जानने को भी मिलेगा। सो गाइस, यहाँ पर आपको दिख जाएगा पहला टेलीस्कोप का मॉडल, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड गाइस, मैं बताऊँ, ये टेलीस्कोप मैंने पहले कभी नहीं देखा था, किसी बुक में भी नहीं। जेम्स वेब का ये टेलीस्कोप है, एंड जो कि आपको नोट्स यहाँ पर दिख जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हो। फिर आपको यहाँ पर हमारे स्पेस का जो हिस्ट्री है वो, उसका मॉडल दिखने को मिल जाएगा। एंड फिर आपको यहाँ पर नीचे में 3D डिस्प्ले के थ्रू हमारा जो स्पेस का कैसे बना है, हमारे स्पेस के नेबर कौन है, वो सब आपको यहाँ पर दिखने को मिलेंगे। एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। सो गाइस, उसके बाद यहाँ पर बात करें तो हमारा जो विक्रम लैंडर, जो कि चंद्रयान पे गया था मिशन पे, एंड उसका मॉडल आपको यहाँ पर दिखने वाला है। उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी भी मिलने वाली है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये मॉडल मिलने वाला है, जो कि हमारे चंद्रयान 3 से रिलेटेड है, एंड ये आदित्य L1, एंड इसके बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख जाएंगी। फिर आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये मशीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है, एंड ये आपको मिल जाएगा, मास रोवर है इसका नाम, एंड इसके बारे में आपको 3D पे भी दिखाया जाएगा। एंड ये पूरा मिट्टी पे, एंड ये चलता भी है, बट अभी ये रुका हुआ है, एंड इसके ऊपर एक कैमरा भी लगा हुआ है गाइज। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा हमारे स्पेस में जो कंट्रोलर होते हैं ना, उसके बारे में यहाँ पर दिखने को मिलेगा। एंड ये है एक टाइप का मॉडल, जो कि बस ऐसे ही है, दिखाया जा रहा है कि हमारे स्पेस का जो कंट्रोलर होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ अवेलेबल होती है, एंड कौन कैसे क्या काम करता है। फिर आपको दिख जाएगा ये जाइंट टेलीस्कोप, जो कि वाकई ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, एंड मुझे पहली बार लगा ना ये कोई टावर है, बट ये टावर नहीं है, ये हर्सेल का जाइंट टेलीस्कोप है। एंड बाकी आपको यहाँ पर जो मॉडल है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया। एंड सो गाइज, एग्जीबिशन हॉल में ना आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखने वाला है। एंड गाइज, यहाँ पर ना कुछ हमारे स्पेस से जुड़े कुछ ऐसे यंत्र दिखने वाले हैं, जिसके बारे में ना मुझे भी पहले कुछ वैसा नॉलेज नहीं था। एक्चुअली मैं PCM की ही स्टूडेंट हूँ, बट इतना भी नॉलेज नहीं है, मतलब कि ये सारे यंत्र जो मैंने अभी देख रखा है ना, इसको कहते हैं पिस्टा यंत्र, एंड सबके बारे में यहाँ पर ना ग्लास पे लिखा हुआ भी है। एंड गाइज, एक बात को, ये सारे इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, एंड ये है वाटर इंस्ट्रूमेंट, एंड आपको ना इस सारे यंत्र के बारे में यहाँ फ्रेम पर लिखा हुआ है। आप लोग को हिंदी में, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो हिंदी में पढ़ सकते हो, अदरवाइज इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर आपको दिख जाएगा सम्राट यंत्र, एंड इसके बारे में भी बहुत फुल डिटेल में है। अदरवाइज अगर आपको मतलब कि यहाँ माइनर सा समरी टाइप का है, अदरवाइज अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गूगल पे सर्च कर सकते हो। सो गाइज, यहाँ पर आपको जंतर मंतर का मॉडल भी दिख जाएगा, जो कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो कि हमारे दिल्ली में है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा राम यंत्र, एंड इसका मॉडल भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड ये सारा मॉडल ना वुडन का बनाया हुआ है, वुडन पीस है, एंड इसके बारे में भी आपको यहाँ पर डिटेल्स में दिख जाएगा इन्फॉर्मेशन, तो आप लोग पढ़ सकते हो। फिर आपको लेकर चलते हैं आगे, एंड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे
आर्यभट्ट का स्टैचू। एंड आर्यभट्ट के बारे में जिन किसी को भी पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर से बता दें। एंड गाइस वीडियो को ना पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो गाइस यहाँ पर आर्यभट्ट का स्टैचू वगैरह दिख जाएगा एंड उसके बाद हमारे स्पेस से जुड़े एक्सप्लैनेट जो भी हैं वो सब के बारे में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। एंड ये जो एग्जीबिशन हॉल है आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। एंड यहाँ पर जितने भी मॉडल हैं उन सभी को टच नहीं करना है। फिर हमारा जो टेलीस्कोप है उसका क्या जर्नी रहा है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाता है एक मॉडल एंड इसका नाम है मोशन ऑफ प्लैनेट, मतलब कि हमारा जो प्लैनेट है वो कैसे मोशन करता है उसके बारे में आपको यहाँ पर मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। एंड प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा, यहाँ पर एक स्विच है, आप लोग चाहो तो इस चीज़ को खुद से प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है, मतलब स्विच दबाते ही हमारा प्लैनेट कैसे मोशन करता है वो सब आपको दिखने को मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर दिख जाएगा हमारे जो सोलर सिस्टम के जो एक प्लैनेट है सैटर्न, उनका यहाँ पर मॉडल दिखने को मिल जाएगा। बाय द वे आप एक बात मैं आपको बता दूँ, इस तारा मंडल का जो सीलिंग है ना उसके ऊपर आपको हर जगह पर हमारे सोलर सिस्टम से जुड़े हर एक प्लैनेट का मॉडल यहाँ पर टंगा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड आप लोग यहाँ पर अगर फ़ोटो वोटो खिंचाने के शौकीन हो फोटो भी खिंचा सकते हो, बहुत बढ़िया मस्त सा बैकग्राउंड है एंड बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर मज़ा आने वाला है। बाकी आप लोग खुद ही देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अच्छा थीम है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये है एक हमारा जो उल्का पिन टाइप का जो कि हमारे मधुबनी में गिरा था एंड उसको यहाँ पर एक मॉडल के थ्रू यहाँ पर रखा गया है, सैम्पल के थ्रू यहाँ पर हम लोग को दिखाने की कोशिश की गई है। सो इसके बाद हम लोग को दिख जाता है सन एंड सन का जो हिस्ट्री वगैरह है एंड सन कैसे बना है उसके बारे में आपको यहाँ पर दिख जाएगा, द स्टोरी ऑफ द सन्स लाइफ। एंड उसके ऊपर आपको यहाँ पर सीलिंग में दिख जाएगा कितना अच्छा सा यहाँ पर डेकोरेट किया हुआ है। बाकी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा सा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है मॉडल के थ्रू या प्रैक्टिकली आप लोग भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर हमारे स्टार्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, स्टार क्या है, हमारे कितने नज़दीक हैं। एंड बाकी आपको यहाँ पर मास जो द मास जो हम लोग पढ़ते थे फिजिक्स में एंड वो जो मास का जो फॉर्मूला है उसको जो दिए हैं उनका भी स्टैचू आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सन का यहाँ पर मॉडल दिखने वाला है। बाकी आपको यहाँ पर बहुत भीड़ भी दिखने वाला है क्योंकि अभी बस नया ही खुला है एंड यहाँ पर ना बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं एंड सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि हाँ भाई यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हैं। एंड बाकी मैं आपको बता दूँ ना, पहले से बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेंज आया है एंड बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मतलब इन्फॉर्मेशन जो होता है ना हमारे प्लैनेट से, हमारे सोलर सिस्टम से, साइंस से रिलेटेड वो सारा इन्फॉर्मेशन को ना इन्हांस किया गया है। बाकी आपको यहाँ पर आकाशगंगा के बारे में भी देखने को मिलेगा एंड ये सारा मेजर सा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको यहाँ पर हर एक जगह आपको प्लैनेट से जुड़े इन्फॉर्मेशन मिलने ही वाले हैं ऑब्वियसली। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, नहीं आए हो तो जल्दी से आना क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर मज़ा आने वाला है। फिर यहाँ पर मिल्की वे गैलेक्सी का आप लोग 3D में देख सकते हो कि कैसे हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, क्या है नहीं है। उसके बाद फाइनली हम लोग आ जाते हैं नीचे एंड नीचे आपको दिख जाएगा इतना बढ़िया सा नज़ारा, जो कि अभी नीचे में काम चल ही रहा है हल्का फुल्का एंड अभी पूरा काम हुआ नहीं है। हमारे तारा मंडल को ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अभी बनाया जाएगा। सो गाइस यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम निकल जाते हैं बाहर एंड आपको बाहर निकलने के लिए ये है एग्जिट गेट एंड यहाँ से आपको लेनी है एग्जिट। सो गाइस आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पर आपको दिख जाएगा एग्जिट गेट के पास भी, मतलब यहाँ पर ना पार्किंग का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा इंतजाम करा हुआ है। आपको यहाँ पर पार्किंग को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग अपने फैमिली फ्रेंड के साथ आ सकते हो, गाड़ी बाइक जो भी है वो सब लेके यहाँ पर पार्किंग का कोई झंझट नहीं होगा। तो आप लोग घूमने ज़रूर आना। बाय बाय।